एशिया कप 2018 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। ये एशिया कप हालांकि पहले भारत में खेला जाना था, लेकिन अब यह यूएई में खेला जाएगा। 15 सितंबर से एशिया कप की वनडे फॉर्मेट में शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एक एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार आपस में भिड़ेंगी। आपको बता दें, एशिया कप का पूरा कार्यक्रम भारत और पाकिस्तान के मैच कब कब होंगे। इस बार एशिया कप में 3-3 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा एक क्वालिफाइड टीम होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच ग्रुप स्टेज का होगा। 19 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें आगे बढ़ेंगी। अगले स्टेज में सभी 4 टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी, यानी भारत और पाकिस्तान दूसरे स्टेज में पहुंचकर एक और मैच खेलेगी। अब भारत पाकिस्तान के ये 2 मैच तो तय हैं। अब आपको बताते हैं तीसरा और सबसे बड़ा मैच कब होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा मैच 28 सितंबर को होगा, जो कि एशिया कप का फाइनल मैच है। भारत और पाकिस्तान का एशिया कप के फाइनल मैच में पहुंचना क्यों तय है, ये आपको बताते हैं। श्रीलंका की टीम हाल फिलहाल बेहद खराब दौर से गुजर रही है, लिहाजा श्रीलंकाई टीम बाहर होना तय है। बांग्लादेश की टीम ठीक ठाक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान को हराने की कुव्वत उसमें नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगान टीम जरूर अच्छी है, लेकिन T20 मैचों में, वनडे मैचों में नहीं। तो पूरी संभावना है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान पहुंचेंगे और दोनों का सबसे बड़ा महामुकाबला फाइनल में होगा। एक ही टूर्नामेंट में 3 बार भारत पाकिस्तान का आमना सामना होगा, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी दावत होगी। आपके लिए एशिया कप का पूरा कार्यक्रम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।